पढ़ाई करते टाइम फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेट करें, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। और चाहे आप कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई सा भी काम कर रहे हो, जहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, उस हर जगह पे ये वीडियो आपको कॉन्सेंट्रेट करवा के छोड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं मेन टॉपिक। बस कंडीशन एक ही है कि इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड भी ना करें, स्किप भी ना करें और मेरा एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहें। लाइक शेयर उतना जरूरी नहीं है मेरे लिए, बस आप अपने फायदे के लिए इसको लास्ट तक देखो। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? The ability to give all of your attention to something। आपका जितना thought process है, उसको एक ही चीज पर पूरी तरह से लगा पाने की क्वालिटी, ये अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई ठीक से कर सकें, अपना काम ठीक से कर सकें। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेशन का ये एक दूसरा भाई जो कंसंट्रेशन का दुश्मन है उसको भी साथ साथ में समझना पड़ेगा, और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस में आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस निकाल दोगे तो उस दिन से आप 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए मैंने कंसंट्रेट करने के तरीके को समझाने के लिए दो हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज अपने विचारों से सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, एंड सेकंड पार्ट इज जब डिस्ट्रैक्शंस चले जाएं तो फिर कंसंट्रेशन पे कैसे ध्यान दें। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर है। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाने की कैपेसिटी, उसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसी चीजें जो आपका आपके उस मेन काम से पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती है। और ये डिस्ट्रैक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। थोड़ी देर में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तो पहले तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो है एक्सटर्नल, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन जिसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको भैया कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मजा आएगा इसमें। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आप एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उठ के गए, टीवी आपने बंद कर दिया, आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर खत्म हो गया। आपके मोबाइल पर मान लो बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपने उसका डेटा ऑफ कर दिया और साइलेंट करके दूर रख दिया, वहीं पर आपका जो वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। बहुत इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे। उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, या उससे बात करने का मन करता है 5 घंटे, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो बैठे बैठे, पछतावा हो रहा है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपके जो विचारों की सुनामी है ना, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आपको अपना थॉट प्रोसेस है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? इस वीडियो का सबसे मेन बिंदु यहीं पर है। आपके दोनों हाथों में दो ऑप्शन है, डिसीजन आपके हाथ में है। एक तो यह है कि आप आपके साथ जो भी जिंदगी में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके विचार इधर उधर हो रहे हैं, आपके विचार उधर जाते हैं, या तो आप उसको लेकर के बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज है जो केवल विचारों में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में नहीं होती। वो जब हम पास्ट में थे तो वो हमारा उस टाइम का प्रेजेंट था, और जिस फ्यूचर के बारे में हम ख्यालों में खोए रहते हैं वो जब तक हमारे पास में आएगा वो भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। तो अगर आपको पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन करते रहना है तो वो आप कर सकते हो। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी भर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, लफड़े पालते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो, आपकी मर्जी है। आप जहां हो ना आज वहीं पे रह जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास जिसमें सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना उसको। आपकी लाइफ में आज जो भी जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, वो आपकी लाइफ में आपकी थॉट्स में कैसे आया? आपके पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आप पास्ट में जो काम किए हो, आपका पास्ट में जैसे लोगों के साथ में उठना बैठना रहा है, आपके जो जो लफड़े रहे हैं पास्ट में, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने किसी ना किसी टाइम कुछ वैसा करने का सोचा था, फिर सोच काम में बदल गई, और जब काम होगा तो उसके प्रोडक्ट तो बनेंगे, रिजल्ट भी आएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आज आपका मन जिस भी वजह से भटक रहा है या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो सब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ उसके बेस पर ही आपके पास में आया है। इसलिए आज आप जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके जो फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शंस हैं,
वो कम हो गए क्योंकि आपकी थॉट बदल गई कि भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैं आज फालतू की चीजें सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पे पड़ेगा। और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में डिस्ट्रेक्शंस हैं किसी रिलेशनशिप की वजह से, उसके बारे में आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। और जब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद को माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी हुआ वो तो भाई मैं नहीं बदल सकता। आज तक मान लो मेरे मार्क्स कम आए, मैं फेल हो गया, पापा ने मुझे डांटा, उसने मेरे साथ चीट किया, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। Forgive yourself for all your mistakes. जो आज आपके distractions है ना, वो एक के ऊपर एक करके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, काफी लंबे टाइम से इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो अब उसको और ज्यादा बढ़ने से रोकना है। और आपको अपने मन में ये निश्चय कर लेना है कि अब मैं अच्छा काम करूंगा, अपने काम से काम रखूंगा, मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रेक्शंस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरह से आपको अपने मन को समझाना है। और जब आप डेली ऐसा करोगे, ऐसा सोचोगे, तो आपके जो इंटरनल डिस्ट्रेक्शंस है ना, वो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। और जब हम डिस्ट्रेक्शंस को कम कर लेते हैं, उसके बाद में बात आती है कि भाई अब कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। जब आपके डिस्ट्रेक्शंस कम हो जाएंगे तो आप सोचो कि अब आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो परिणाम स्वरूप मेरे पास वापस तो जरूर आएगा। तो कुछ भी हो जाए, अब मैं अपना जो थॉट सिस्टम है ना, उसको केवल और केवल पढ़ाई में ही लगाऊंगा, अपने काम में ही लगाऊंगा। जब कभी आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रेक्शन होना या उसके होने की संभावना हो, तो उस पहली संभावना पे ही उसको ब्लॉक कर दो, उसको हटा दो वहां से, उसको इतना बड़ा मत होने दो कि वो कल को आपका ध्यान भटकाए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस चीज से तो मेरे कॉन्सेंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक्चुअल में वही चीज कितनी खतरनाक है आपका ध्यान भटकाने के लिए, वो आपको भी नहीं पता। आपको उसकी लत लग जाती है, और किसी भी चीज की लत लगना बहुत गंदी बात है, एक्सेप्ट मेहनत करने की लत के। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत हो या जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो कि आपको फालतू की चीजों के बारे में सोच के फालतू की टेंशन लेके या फालतू में ख्याली पुलाव बना के क्या फायदा है। ख्याली पुलाव का मतलब जानते हो, जो चीज रियल में नहीं हो सकती। जैसे मान लो काश यार उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता या उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता, आप यार उसमें क्या कर सकते हो? क्या आप पास्ट में जाकर के उस काम को दोबारा कर सकते हो, बदल सकते हो? नहीं कर सकते। अब मैं 2 मिनट कुछ ऐसी बातें आपको बोलूंगा जिनको आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं, मेरे लिए फालतू के विचारों से बाहर निकलना जरूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत जरूरी है, मुझे केवल प्रेजेंट पर ही ध्यान देना है, मैं केवल प्रेजेंट को बदल करके ही अपने फ्यूचर को बदल सकता हूं, मैं आज से ही मेरा ध्यान भटकाने वाली चीजों को खुद से दूर कर दूंगा, मैं आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा, जो फल मुझे चाहिए उसके लिए मुझे अपने नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ सकता हूं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कर सकता हूं, और अब मैं ये करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपनी लाइफ के डिस्ट्रेक्शंस को हटाना पड़ेगा, और डिस्ट्रेक्शंस 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रेक्शंस है आपके, उनको कम करने के लिए आपको अपने आप को पास्ट और फ्यूचर के विचारों से आजाद करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आपका वर्तमान में ना रहना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और ऐसा सोच करके उसके बाद में आपको अपने हर एक तरह के जो डिस्ट्रेक्शंस हैं उनको एक के बाद में एक कंट्रोल करके आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपना काम शुरू करना है और पढ़ाई करनी है। आप जरूर फोकस कर पाओगे। आई होप आपको ये टेक्निक्स अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।